जयपुर में डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट में पट्टी छोड़ दी। जब पेट में दर्द होने लगा तो महिला डॉक्टरों के चक्कर काटने लगी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर दूसरे अस्पताल में इलाज कराने पर पेट में पट्टी होने का पता चला। आखिर दूसरे अस्पताल ने फिर से सर्जरी कर पेट से पट्टी बाहर निकाली। अब पीड़िता का आरोप है कि जब पहले सर्जरी करने वाली महिला डॉक्टर को पट्टी के बारे में बताया तो अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने इस मामले में 4 फरवरी को मोहाना थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता नानगी देवी ने मोहाना थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया, नवंबर 2021 में पेट में कुछ दर्द की समस्या होने के बाद पत्रकार कॉलोनी स्थित डॉक्टर रमेश मेमोरियल अस्पताल में जयश्री नाम की एक महिला डॉक्टर से इलाज कराने गई थी। दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। इसके बाद महिला डॉक्टर जयश्री ने सर्जरी करने के लिए कहा, जिस पर पीड़ित महिला ने डॉक्टर से सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद भी पेट दर्द खत्म नहीं हुआ तो महिला ने दोबारा डॉक्टर जयश्री से संपर्क किया, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं मिला। 20 बार दिखाया, लेकिन डॉक्टर पेन किलर देकर रवाना कर देती थी। महिला ने पेन किलर खाकर 7 महीने तक का समय निकाल दिया। 7 माह बाद पीड़ित नागनी देवी का पति सुवालाल उसे लेकर बगरू स्थित बालाजी सोनी अस्पताल पहुंचा, जहां पर 22 जून 2022 को सर्जरी के दौरान वीडियोग्राफी कराई गई ताकि पेट की असली समस्या का पता चल सके। अस्पताल के डॉक्टर ने सर्जरी के समय नानगी देवी के पति सुवालाल को अंदर बुलाया। उसके सामने सर्जरी के दौरान नानगी देवी के पेट में 8 mm का पट्टी का टुकड़ा निकाला गया। बाद में इसे जांच के लिए दुर्लभ जी अस्पताल भेज दिया गया।